हम खुद कहते हैं, आप लोग सुना होगा ये बात, तो आप लोग नहीं लिखिएगा कि हम जिस घर में मुसहर घर में पैदा हुए हैं वहाँ शराब बनती थी, हमारे माता पिता शराब पीते थे। ये हमला की बात नहीं है, ये आप लोगों की बात है। आप लोग अपना टीआर बढ़ाने के लिए बात को ट्विस्ट कर देते हैं। हल्ला बल हमला कब हुआ है? हाँ, आज भी जैसे जिस दिन हमें इफ्तार किया उनको एक मोमेंटम दिया है। क्या दिया है कि मद्यपान बहुत खराब चीज है और हर बुराइयों का जड़ श्रावण श्राव है, ये हमने लिखा है। तो हम खुद कहते हैं, आप लोग सुना होगा ये बात, तो आप लोग नहीं लिखिएगा कि हम जिस घर में मुसहर घर में पैदा हुए हैं वहाँ शराब बनती थी, हमारे माता पिता शराब पीते थे, और उस घर में आज 78 बरस के हम हो गए हैं, एक बूंद शराब अपने होठ पर नहीं लाए। तो क्या कोई कानून था? कहने का मतलब शराबबंदी के पक्ष में हम लोग हैं, लेकिन शराबबंदी के नाम पर आए दिन जो पदाधिकारी और नीचे वाले लोग हैं अपना हाथ साफ करते हैं, उसका विरोध हम करते हैं। उस ओर मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हैं, और हम धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी को कि एक सप्ताह पहले आपने सुना होगा कि उन्होंने रियलाइज किया है कि हाँ, शराबबंदी में नीचे वाले पदाधिकारी लोग कुछ गलत करना है या स्लैक हैं, ढीला हैं, जिसके चलते अनुपालित नहीं हो रहा है। तो जो हम कह रहे हैं तो बात हो ही रही है, इसमें विरोध का कहाँ बात। देखिए देखिए देखिए, हर सशक्त और सक्रिय पार्टी में एक ये नहीं होना चाहिए कि जो एक आदमी कहते वही माने। यहाँ पर मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। मतलब हम NDA एक हैं, एक रहेंगे, और जहाँ कहीं कुछ कमी नज़र आएगी वो बोलेंगे, उनको रेक्टिफाई किया जाएगा। आजकल यही हो रहा है कि अगर आप बोलते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, इधर से रेक्टिफिकेशन होता है कि नहीं साहब ये ठीक है, मान करके आज सरकार चल रही है, इसलिए कहीं कोई दो मत नहीं है। देखिए, ये सब कयास जो आप लोग लगाते हैं, आप लोगों की अपनी बात है। अभी हमने पहले ही कहा कि पर्व त्यौहार होता ही इसके लिए है कि आपस में अगर कहीं कोई कटुता हो तो उसके बहाने आपस में मिलें, बातचीत हो, और राजनीति में या कहीं भी शत्रुता उतनी होनी चाहिए कि जहां बात करने का एक खिड़की खुली होनी चाहिए। तो इस बहाने बात करने का एक मौका मिला है, अच्छी चीज़ है। और रही बात जहाँ NDA का